नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्काईटेक न्यूज के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे हमारे जो नए व्यूवर्स है, जो बिल्कुल नए नए अभी डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं, और उन्हें चार्ट के अंदर अगर वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम चार्ट लगाना है, वो शो नहीं कर रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है। हमें कमेंट के अंदर बहुत सारे मैसेज मिले दोस्तों, इसके लिए बहुत बेसिक सी वीडियो हमें बना रहे, छोटी सी वीडियो, लेकिन जो बिल्कुल नए दोस्तों उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी लगा रखा है। आप अगर निफ्टी को ऐसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे व्यू चार्ट अगर आप करते हैं, तो आप जो भी डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे आप स्टॉक, चाहे जीरोधा, चाहे एंजल वन, दोस्तों इस इन सब जगह ये प्रॉब्लम बहुत सारे जो बिल्कुल नए यूजर्स होते हैं उनके लिए देखने को मिलती है। तो इसका जो सोल्यूशन है दोस्तों, सिंपल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ये नहीं जानते कि अगर हम यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट लगा है। आप चाहे इसे 1 डे का भी कर सकते हैं, अगर 1 डे कर देते हैं, और यहाँ पे एफएक्स में अगर जाते हैं, यहाँ पे मैं जीरोधा का आईटी यूज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम टाइप कर देना है। वॉल्यूम चार्ट अगर कर देते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो, वॉल्यूम चार्ट आपके लिए सामने यहाँ पे इंडिकेटर आ जाता है। इसे अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की साइड में आपको क्या मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम नॉट अवेलेबल। इसका जो रीजन है दोस्तों, ये जो निफ्टी 50 का जो स्पॉट का चार्ट है, यानी आप चाहे इसे कैश का समझ सकते हैं, तो इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है। तो इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं होगी दोस्तों, तो वॉल्यूम कहाँ से दिखेगा। तो सिंपली हम जो ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स के अंदर करते हैं, स्टॉक के अंदर करते हैं, या ऑप्शंस के अंदर करते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम होता है, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम शो नहीं करता। आप चाहे इसे बैंक निफ्टी पे अगर देख सकते हैं, बैंक निफ्टी पे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ रही है। नीचे की साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम नॉट शोइंग, वॉल्यूम अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि दोस्तों इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर, स्पॉट के अंदर ट्रेड ही नहीं होता। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सर्च के अंदर चले जाना है और कोई भी फ्यूचर का चार्ट लगाना है। आप चाहे यहाँ से निफ्टी, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ दिसंबर निफ्टी डीएसई फ्यूचर। आप देख सकते हैं निफ्टी दिसंबर फ्यूचर अगर मैं एक सिंपली लगा देता हूँ, यहाँ से बैक कर देता हूँ, तो आप नीचे के साइड में देखेंगे यहाँ पे निफ्टी का दिसंबर फ्यूचर है। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो ग्रीन और रेड कैंडल्स दिख रही है हमें, ये यही वॉल्यूम चार्ट है दोस्तों। तो सिंपल है दोस्तों, आप इसे सिर्फ फ्यूचर या स्टॉक के चार्ट पे ही इसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिग बिग ग्रीन कैंडल्स हमें दिखती है। अगर आप स्टॉक का कोई यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी स्टॉक अगर ले लेते हैं, मानो HDFC हम ले लेते हैं, यहाँ से HDFC बैंक यहाँ पे सिलेक्ट है, यहाँ से पीछे करते हैं, तो HDFC बैंक यहाँ से अगर चार्ट ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें इजीली ये जो वॉल्यूम के चार्ट है, यहाँ पे वॉल्यूम बार से इजीली शो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इंडिकेटर जो है, सिंपली आपको फ्यूचर और स्टॉक जहाँ पे ट्रेड होते हैं उसके ऊपर यूज करना है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, हर एक एप्लीकेशन के अंदर ये यही आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपकी ये जो प्रॉब्लम है, इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।